अस्सलाम वालेकुम, सबा सेहत ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आगे हम एक रेसिपी के साथ, तो आज हम फिर से बनाने वाले हैं दाल गोश्त। तो मैंने उसकी कुछ तैयारी कर चुकी हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूधिये को काट के नमक के पानी में डाल के रख दी हूँ। और यहाँ पे कुछ मैंने हरे मसाले ली हूँ, जिसमें कोथमीर, पुदीना, लहसुन और अदरक है जिसको मैं अभी पीस लूँगी, और मिर्ची है जिसको मैं पीस लूँगी। यहाँ पे मैंने दाल को गला के रखी हूँ। इसमें तुअर की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है और पीली मूंग की दाल है। तो ये मैंने अपने घर के हिसाब से क्वांटिटी से लेकर गला ली थी। और मैंने यहाँ पे बकरे का गोश्त ली हूँ 1 किलो, जिसको मैंने 2 सीटी लगाकर भाप दे के रखी हूँ। यहाँ पे मैंने कोथमीर पुदीना धोकर रखी हूँ, जो ये मैं दाल में ऊपर से काट के डालूंगी। यहाँ पे इमली गर्म पानी में भिगा के रखी हूँ। 2 नींबू को काट के उसका रस निकाल ली हूँ। और ये कुछ मसाले है, जिसमें नमक है, गरम मसाला है, मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है और ये कस्तूरी मेथी है। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर काट के रखी हूँ। और यहाँ पे 3 कांदा काटी हूँ। और इसमें रखी हूँ कड़ी पत्ता और ये तेज़ पत्ता, जिसको मैं पहले तेल में डालूंगी। तो इस पे मैं प्याज के साथ कड़ी पत्ता और ये तेज़ पत्ता डालूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे गैस पे पतीला रख ली हूँ। इस पे मैं 5 से 6 चम्मच ऑयल डालूंगी। इसमें मैं ये कड़ी पत्ता डालूंगी, ये तेज पत्ता डालूंगी और ये जो मैंने कांदा काटी हूँ ये कांदा डालूंगी। तो मैं अच्छे से प्याज को थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होता है, जिसको मैं अच्छे से इसमें तल लूंगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरे कांदे का कलर चेंज हो गया है। अभी मैं इसमें ये टमाटर जो काटी हूँ ये टमाटर डालूँ और टमाटर को भी मैं अच्छे से गला लूँगी इसके अंदर। मेरा ये कांदा टमाटर अच्छे से गलने आ गया है। अभी मैं इसमें जो हरा मसाला बताई थी मैंने वो पीस ली हूँ, वो अभी मैं इसमें डाल दूँगी। ये मसाला जो था ये मैंने पीस ली, ये मैं अभी इसमें डाल दूँगी। इसके साथ साथ ये जो भी मसाले हैं, कस्तूरी मेथी, लाल मिर्ची, ये जो है इसके साथ नमक है। और नमक मैं गोश्त गलाने में भी डाली थी, इस वजह से मैं नमक इसमें कम डाली हूँ। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। असल मैंने पिछले हफ्ते में शायद या 15 दिन पहले मैंने दाल गोश्त बनाई थी। अब दाल गोश्त बनाने की वजह इसलिए क्या, मेरी बहन है उसकी पार्टियाँ है, तो मेरे घर वाले ने बोले कि बाहर से बनाने से अच्छा घर में दाल गोश्त बना लो और उसके पातियाँ दिला लो। तो इसलिए मैं आज फिर दाल गोश्त बना रही हूँ। मेरी बहन को डायबिटीज़ हो गया था, जिससे उसका इंतजाम हो गया। तो उसकी 2 साल की पातियाँ हैं। हमेशा हम लोग ऑर्डर देते हैं बाहर, और अब के मेरे शौहर बोले कि दाल गोश्त तुमने अच्छा बनाए थे, तो तुम दाल गोश्त घर में बना लो, भतियारे को मत दो। तो मसाला मेरे से अच्छे से भून गया है। इसमें मैं ये गोश्त डालूंगी। मगरिब में मुझे फाटा गलाना है, तो दोपहर में सब काट वाट के जो भी गोश्त गला के रख दी थी, ताकि मैं एकदम शाम में फटाफट बना लूँ। अभी ये मेरा दाल, अभी मेरी ये दाल तैयार हो जाएगी, तो फिर मैं दूसरे वाले चूल्हे पे चावल बघार के रखूँगी।
10 से 15 मिनट के लिए इस पे मैं ढक्कन ढक दूंगी। तो अभी हम ढक्कन हटा के देखेंगे। इसमें मैंने ये दो छोटे छोटे नींबू का रस निकाली थी, ये डाल दूंगी। और यहाँ पे जो इमली का पानी था, इमली को निचोड़ी है अच्छे से और ये पानी डाल दूँ इसमें। दूधिये को गला ही नहीं हूँ क्योंकि दूधिया एकदम घोटे जाता है। मैं दूधिये को इसमें डालूंगी। अभी जो मेरा गोश्त थोड़ा गलने का बाकी है, गोश्त भी मेरा इसमें गल जाएगा और मेरा दूधिया भी इसमें गल जाएगा। तो दूधिया मैंने डाली है तो दूधिया भी इसमें गल जाएगा। दाल इसमें मैं एकदम लास्ट में डालूंगी। इसमें मैंने गोश्त को उबाली थी तो गोश्त का थोड़ा पानी था, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अभी मैं ये पतीले को ये दूसरे वाले चूल्हे पे डाल के इस पे मैं ये वाले चूल्हे पे मैं चावल चढ़ा दूंगी। चूल्हे पे चावल चढ़ाऊंगी, इसमें मैं 3 चम्मच ऑयल डालूंगी। और हम लोग क्या खड़े गरम मसाले खाते नहीं है, इसलिए मैंने दाल को जो बना रही उसमें पिसा हुआ डाली हूँ, क्योंकि दाल में आ जाते हैं मुझे तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो मैं दाल गोश्त में गरम मसाले नहीं डाली हूँ अक्खे, क्योंकि हमारे यहाँ जब दाल खाते हैं और दाल में गरम मसाला कोई भी मुंह में आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो ये वजह से मैंने दाल में नहीं डाली, दाल में पिसा हुआ मसाला डाली। अब ये तेल मेरा गर्म होने आ गया, इसमें मैं 2 तेज पत्ते डालूंगी। इसमें 3 लौंग है, काली मिरी है और शाहजीरा है और ये 2 दालचीनी है, ये डाल दूँ। जीरा राइस बना रही मैंने यहाँ पे शाहजीरा और जो मसाले मैंने गरम खड़े मसाले ली थी वो मैंने डाल दी। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा काला पानी। कांदे को मैं अच्छा इसमें कलर बदली हुई थोड़ा अच्छे से तल लूंगी, कांदे का कलर थोड़ा चेंज हो गया।
इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मेरा दलिया भी गल रहा है अच्छे से, रोटी पक जाएगा क्योंकि मेरे गोश्त को ज़्यादा नहीं गलाई थी। पिछली बार मैंने सीटी ज़्यादा लगा दी थी तो मेरा गोश्त बहुत गल गया था, तो अभी ये मेरा गोश्त भी गल जाएगा और ये दलिया भी गल जाएगा। उसके बाद ही मैं इसमें दाल डाल दूँगा। और यहाँ मेरा चावल पक रहा है, मैं इसमें चावल के लिए तैयारी करूँ। इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन डालूंगी, ऐसे बना दी चावल में टेस्ट भी अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों ने कई चावल ऐसे ही खा लिया। धनिया डाल के मुझे ज़्यादा जितना पकाना था इसमें, मेरे हिसाब से मैंने पका लिया। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, जैसा मेरे पानी को जोश आएगा फिर मैं उसमें चावल छोड़ूंगी। तो अभी इसमें मैं डाल दूंगी पानी, मैं मेरे चावल के हिसाब से डाल दूँगी पानी, इसमें डाल दूंगी नमक, क्योंकि आपको चावल का पानी निकालना नहीं है तो वो हिसाब से नमक सोच समझ के डालिए। चावल को जो पानी को जोश आएगा तो फिर मैं इसमें चावल डाल दूंगी। जोश आ गया है तो अभी जो मैंने चावल के लिए पानी रखी थी उसमें जोश आ गया है, उसमें मैं अभी ये चावल डाल दूंगी। और इसमें मैं ये छोटा सा नींबू का रस है ये डाल दूंगी, इससे चावल एकदम अच्छे छुटे और चावल में अच्छा टेस्ट आता है। देखते हैं कि हमारे दूधिये गले के नहीं गले। माशाल्लाह से दूधिये गल गया है, जोश चेक करते हैं। जोश ठंडा होगा तो देखते हैं जोश बना के दिया कभी दाल के साथ भी पकेगा तो गोश्त दिया और अच्छे से जाएगा। ऐसे तो गल चुका है और गर्म में रह के और गल जाएगा। अभी हम चावल देखेंगे तो माशाल्लाह से देखो मेरे चावल, जितना मैंने पानी डाली थी वो पानी एकदम परफेक्ट हो गया, मुझे ज़रा भी पानी डालना नहीं पड़ा इसमें। और इसी में मेरे चावल अभी मैं ये दम पे दे दूँगी। माशाल्लाह से चावल आज एकदम मस्त बन गए, पानी वानी एकदम बराबर हो गया। अब इसको मैं चावल को दम पे दे दूँगी।
मगरिब की अजान भी हो गई है, अजान के बाद नमाज हो जाएगी तो फिर मैं फातिहा पढ़ती हूँ। बस मेरा हो गया अल्लाह का समय। यहाँ पर भी अच्छे से गल गया है और माशाल्लाह से गल गया है। मैं इसमें दाल डाल दूंगी। दाल को मैंने अच्छे से घोट के गला के माशाल्लाह से मेरी दाल। दाल को मैं थोड़ा सा नमक वगैरह सब है कि नहीं बराबर टेस्ट कर रही, क्योंकि गोश्त तो मैंने देख ली थी, गोश्त को छुरी से काट के देखी थी, अच्छे से गल गया गोश्त। मुझे ज़्यादा गला ना गोश्त, बकरे का गोश्त ज़्यादा गल गया तो अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ी सी दाल में ये टेस्ट करके देखती हूँ। टेस्ट और बाकी सब सही है, थोड़ा सा नमक कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। से दाल बहुत अच्छी बन गई है। अभी मैं इसमें लाल मिर्ची का तड़का लगाने वाली थी पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि दाल ऑलरेडी मेरी तेज हो गई है और मैं दाल तेज नहीं कर सकती, तो मैं अभी इसमें मैं कुछ तड़का वगैरह नहीं लगाऊंगी, दाल को मैं ऐसे ही रखूंगी। ये दाल मेरी बनके तैयार हो गई है। पांच से दस मिनट पक जाएगी तो मेरी दाल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे चावल कैसे हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे हमारे चावल। देखो माशाल्लाह से चावल भी बहुत अच्छे हो गए। सभी समीर आएगा, फातिया देगा। माशाल्लाह अभी दस्तरखान पे और फातिया पे मिलते हैं।